यादव और आशीष यादव का गाना कहीं ना कहीं लोग दर्शक कह रहे हैं कि मगही ट्रेंडिंग स्टार और भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार दोनों साथ हुए, क्या कुछ बोलिएगा? बहुत अच्छा लगा कि भैया साथ हुए, कि दोनों भैया एक साथ देखकर पूरा मगध खुश है कि अगल बगल रंग डालिए यादव जी लहंगा भीतर रंग ना डालिए। काफ़ी प्यार मिल रहा है इस गाने को। ये गाना भैया जातिवाद पर है, क्या कुछ बोलिए? नहीं, जातिवाद। नमस्कार, मैं संतोष यादव और आप देख रहे हैं ट्रेंड न्यूज भोजपुरी या फिर मगध मिरर। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही बेहतरीन राइटर जिनके गाने अभी सिर्फ इन्हीं के लिखे हुए गाने तमाम मगही में बज रहे हैं, या आशीष भैया या फिर मगही के तमाम कलाकारों का काफ़ी सारे गाने हिट हो रहे हैं, तो वही राइटर है हमारे साथ चिंटू राजा। तो पहले स्वागत रहेगा फिर से ट्रेंड न्यूज भोजपुरी या फिर मगध मिरर में। ट्रेंड न्यूज भोजपुरी और मगध मिरर को जितने लोग देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है। कि देखिए, अभी गाने ऐसे ऐसे आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हुए हैं, और अभी गाना ट्रेंडिंग में आया 5 नंबर पे, आप ही का लिखा हुआ था, आपका नाम को ऑल ओवर इंडिया में 5 नंबर पे देखा, क्या कुछ बोलिएगा? बस इसी तरह प्यार मिलता रहे लोगों का, किए बहुत खुश हैं कि 5 नंबर पे आया और आप लोग का प्यार रहा था, 1 नंबर पे भी ट्रेंड करेगा। किए कभी ऐसा सोचे थे कि हमारा लिखा हुआ गाना 5 नंबर पे ट्रेंड करेगा? देखिए, सोचे तो नहीं थे, बट कि एक सपना था दिल में कि हमारा भी गाना ट्रेंडिंग में जाए, जो कि पब्लिक के प्यार से पूरा हो रहा है। ट्रेंडिंग तो आपका गाना बहुत गाना ट्रेंडिंग आया है। ट्रेंडिंग बहुत सारे गाने आए, 5 नंबर पे पहली बार आया और जल्द ही आएगा 1 पे भी। आप लोगों का प्यार रहा तो आएगा 1 पे भी। और अभी भैया खेसारी लाल यादव और आशीष यादव का गाना कहीं ना कहीं लोग दर्शक कह रहे हैं कि मगही ट्रेंडिंग स्टार और भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार दोनों साथ हुए, क्या कुछ बोलिएगा? बहुत अच्छा लगा कि भैया साथ हुए, कि दोनों भैया एक साथ देखकर पूरा मगध खुश है कि लग रहा है कि हाँ, हमारे मगही में भी कुछ हुआ है, जो कि भोजपुरी कलाकार आके हमारे मगही कलाकार को सम्मान दे रहे हैं, कि बहुत खुशी हुआ देख के। किए और तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमसे भी आगे जाइए पूरा, क्या कुछ बोलिएगा? बस भैया का ये बड़ापन था कि और ऐसे प्यार देते रहे मगध के कलाकारों को भी। देखिए, कहीं ना कहीं मगही ट्रेंडिंग स्टार अपने आप में, मतलब भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड हैं, और उन्होंने इतना बड़ा बात बोला मगही कलाकारों को लेकर, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। तो भैया, अभी आपके गाने जैसे काफ़ी ज़्यादा रील पे गाने आपके बहुत सारे ट्रेंडिंग होते रहते हैं, कहीं ना कहीं आशीष यादव के साथ आपके जितने भी रील पे गाने आते हैं प्रत्येक गाना ट्रेंडिंग जाता ही जाता है। जैसे अभी एक गाना एक ट्रेंड किया था, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया, रानी के जैसे इस तरीके था बोल, वो गाना पे लगभग 5 लाख इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रील बन गया है कि वो गाना है क्यों गे रानी गे अभी हो जवानी चढ़ल असजन बनैले मन रहतौ भरल। ये लाइन काफ़ी वायरल हुआ था कि ये गाना महीना दिन शायद 1 महीना भी नहीं पूरा हुआ है और 5 लाख से अधिक रील बन गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड स्थापित करते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का मेहनत रहता है तभी इतना सारा कुछ हो रहा है, और काफ़ी सारे मेहनत करके मगही के नाम को रोशन कर रहे हैं, जमुई ज़िले के नाम को रोशन कर रहे हैं, और काफ़ी सारे विस्तार कर रहे हैं, और मगही गाने ट्रेंडिंग आ रही है, एक बहुत बड़ी बात है। और होली में भैया काफ़ी ज़्यादा होली के गाने अच्छे बज रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने हैं, थोड़ा सा होली का फ्लेवर वाला गाना, जैसे होली में लोग तो थोड़ा सा इस तरीके का गाना रहता है। होली का मेरा एक अभी गाना बज रहा है, रंग डालिए यादव जी, काफ़ी प्यार मिल रहा है यूट्यूब पर, लगभग 5 मिलियन व्यू हो गया है कि इसका, ऑल ओवर यूट्यूब देखा जाए तो, कि अच्छा प्यार मिल रहा है इस गाने को। कि वो गाने का बोल है कि अरे अगल बगल रंग डालिए यादव जी लहंगा भीतर रंग ना डालिए, अरे ना डालिए हो ना डालिए हो ना डालिए जी ना डालिए, अगल बगल रंग डालिए यादव जी लहंगा भीतर रंग ना डालिए। काफ़ी प्यार मिल रहा है इस गाने को। ये गाना भैया जातिवाद पर है, क्या कुछ बोलिए? नहीं, जातिवाद एक नहीं है, एक ऐसे भी देखिए, पहले भी होली एक ऐसा सीजन है ना, पहले भी देखिएगा कि ये तो बहुत सारे भोजपुरी में भी गाना यादव जी पे आए हैं, किसी जाति को टारगेट करके नहीं गाया गया है, बस एक होली में लगता है ना कि यादव जी डाल दहले जोरन किए, तो ऐसे एक मतलब गाँव का चीज़ है, एक मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज़ जो कि हर जाति के लोग गाते हैं ये सब चीज़ की, ये सब कोई जातिवादी नहीं है गाने के। जातिवादी नहीं है, खैर मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक पारंपरिक चीज़ जैसे चले हुए आ रहे हैं आप लोग के घर में, जैसे कहीं भोजनी भोजनी जो आता है गाते हैं, जो बोलते हैं कि
डाल दिल के जादू जी जो रनमा हो, इस तरीके के कहीं ना कहीं पारंपरिक चीज है ये सब, पारंपरिक चीज है, कोई जातिवादी टारगेट हम लोग का नहीं है, ना ही कभी लिखे ना ही कभी करेंगे। जैसे ये सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि आशीष यादव अभी हमारे अंदाज से अभी जब से इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उनके नाम हुए तब से कहीं किसी पार्टी किसी जाति विशेष को लेकर गाने नहीं गाते हैं। नहीं यार ऐसा होगा भी नहीं कि हम लोग किसी को टारगेट करके के गाना लिखते नहीं है, ना ही वो गाते हैं भैया कि बस एक हम लोग का पारंपरिक चीज़ था, उस चीज़ को लोगों के बीच रखा जो कि उन लोगों का ये चीज़ है पारंपरिक चीज़ है कि बस उसको हमने पेश किया है गाने के द्वारा किए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब धमाल मचा रहे हैं। रंग डालो ये जादव जी इस गाने के टाइटल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये धमाल मचा रहे और काफ़ी ज़्यादा ये सरस्वती पूजा में डीजे पे बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा बजा ये गाना।